दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। रेलवे ने 63,000 पदों के सापेक्ष एक नया विज्ञापन जारी किया है, जिसमें ग्रुप डी के कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी और 10 फरवरी से इसमें आवेदन शुरू हो रहे हैं। उम्र की सीमा जो रखी गई काफ़ी अच्छी रखी गई है। जनरल कैंडिडेट 31 साल की उम्र तक इसमें आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी काफ़ी आकर्षक है। अगर आप सिर्फ 10th पास हैं तब भी आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, कृपया आप पूरा वीडियो देखते रहें। मैं आपको बता दूं कि इस जो विज्ञप्ति को जारी किया गया है उसका नंबर है, एडवर्टीजमेंट नंबर है CEN02/2018 और यहां पर आपको मैं अब जानकारी एक और दे देता हूं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th पे कमीशन इन वेरियस पोस्ट ऑफ इंडियन रेलवेज। तो आपकी स्क्रीन पर यह विज्ञप्ति दिखाई दे रही है, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट आउट कर दिया ताकि आप तक जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है वो मैं तुरंत दे सकूं, ठीक है। तो चलिए मैं बात करता हूं। तो इसमें जो पदों की संख्या रखी गई फ्रेंड्स वो रखी गई 63,000, एक्चुअली में 62,900 कुछ पोस्ट हैं, तो ये बढ़ सकती है, इसलिए यहां पर हम बात करेंगे 63,000 पदों को लेकर, क्योंकि ये पद आगे चल के बढ़ने वाले हैं। एज की गणना जो होगी वो 1 जुलाई 2018 से होगी, यानी कि 1 जुलाई 2018 को आपकी उम्र 18 साल से अधिक लेकिन 31 साल से कम होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको नियमानुसार छूट भी प्राप्त है, तो लगभग 36 साल की उम्र तक अकॉर्डिंग टू रूल आवेदन किया जा सकता है रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के द्वारा। इसमें जो पे स्केल रखी गई वो रखी गई है लेवल 2 ऑफ 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 18,000 रुपये, लेकिन इसमें अलाउंसेस भी आपको मिलेगा आपके पद के अनुसार, तो ये काफ़ी अच्छी सैलरी होगी जिसमें आपको 18,000 रुपये से अधिक की सैलरी मिलेगी प्रति माह। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो कुछ लिमिटेड पोस्ट हैं जिन पर सिर्फ 10th पास लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ITI हैं या आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC है जो कि ग्रांटेड है NCVT के द्वारा, तो आपके लिए तो पदों का खजाना यहाँ पे खुल जाता है। बहुत सारे पद हैं जिस पर आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम 10th पास, मैक्सिमम चाहे जितना पढ़े हो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ पदों के लिए आपको रेलवे के नॉर्म के अकॉर्डिंग मेडिकल स्टैंडर्ड को पूरा करना होगा, जिसकी जांच रेलवे का जो डायरेक्टर उनका जो बोर्ड होगा, मेडिकल बोर्ड होगा, वो करेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो फीस रखी गई है वो अब भी ज़्यादा है, 500 रुपये जनरल और OBC के लिए, जबकि SC ST दिव्यांग और एक्स सर्विस मैन के लिए ये फीस 250 रुपये रखी गई है। तो फीस तो यहाँ पर भी ज़्यादा ही प्रतीत होती है, लेकिन कोई बात नहीं, जॉब के लिए हम इतना दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में। तो वेबसाइट ओपन हो रही है 10 फरवरी को दिन में 10 बजे से, यानी कि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे 10 फरवरी से 10 बजे के बाद, और आप आवेदन ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 12 मार्च को रात 12 बजे तक। फीस जमा करेंगे अगर आप SBI की जो वेबसाइट है, तो आप 12 मार्च तक यानी कि लास्ट डेट तक रात में 10 बजे तक आप अपनी फीस जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने SBI का चालान जनरेट किया तब भी आप 12 मार्च को दिन में 1 बजे तक अपनी फीस को सबमिट कर सकेंगे, जमा कर सकेंगे। और अगर आपने पोस्ट ऑफिस का चालान जनरेट किया है तो आपको 10 मार्च 2018 को 1 बजे तक अपनी फीस जमा कर देनी होगी। तो बेहतर ये होगा कि आप पहला विकल्प चुनें, इसमें आपको काफ़ी सहूलियत प्राप्त होती है, ठीक है। तो फिलहाल फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको एक सजेशन और भी देना चाहता हूँ कि आवेदन थोड़ा शीघ्र कीजिएगा, क्योंकि अंतिम समय में हिट्स बढ़ते हैं, क्लिक्स बढ़ते हैं, तो वेबसाइट हैंग भी हो सकती है। तो अगर हैं आप नौकरी की तलाश में तो थोड़ा जल्दबाजी कीजिएगा, फॉर्म जल्दी भरने की आप कोशिश कीजिएगा। बाकी की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप इस परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं तब भी आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़रूरतमंदों तक पहुंचा दीजिएगा, प्लीज़ शेयर इट। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।